हेलो यू ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज तुबा एंड टुडे आई एम अप विथ अ न्यू वीडियो ग्लो 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 कैन यू ऑल सी दिस ग्लो इंस्टेंट ग्लो तो चलिए इस ग्लोब को स्टार्ट करते हैं लेट्स गो अभी तो मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है चलिए इसे कुछ स्टेप्स में ग्लोइंग करते हैं फर्स्टली हमें चाहिए रॉ मिल्क कैसे दिखाऊं ये तो गिर जाएगा रॉ मिल्क कैसा होता है आप लोग सोच ही लीजिए देन मैं लूँगी कॉटन अगर आपके पास कॉटन पैड है तो आप वो भी ले सकते हैं रॉ मिल्क हमारे स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देता है मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है दैट क्लींस पोज एंड रिमूव एक्ने हमारे स्किन को है ना मिल्क जो होता है वो मॉइस्चराइज़ भी बहुत अच्छे से करता है लाइटन अप करता है एंड ब्राइटन अप करता है हमारे स्किन को मिल्क बेस्ट क्लिनर होता है सारे स्किन टाइप्स के लिए तो इसे कोई भी स्किन टाइप्स वाले हैं ना ईजिली यूज़ कर सकते हैं चाहे वो सेंसिटिव ही क्यों ना हो क्योंकि मिल्क तो एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है वैसे इसके अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए ना आपको इसको दो से तीन मिनट तक अच्छे से अपने फेस पे ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है कॉटन बॉल से भी कर सकते हैं हैंड से भी कर सकते हैं हैंड से अगर करेंगे तो हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे उसके बाद अपने फेस पर मिल्क को लेकर मसाज करेंगे मिल्क बहुत ही अच्छा ग्लो देता है आपको इसे मंथ में दो से तीन बार अगर आप यूज़ करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलने वाले हैं उसके बाद उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगी फेशियल वाइप्स आप कोशिश करें कि आपने जो मिल्क अप्लाई किया है ना आप उसको वॉश नहीं करें अगर आपके पास वाइप्स है तो आप उससे क्लीन कर लें नहीं तो आप कॉटन से भी रॉ कॉटन से है ना आप अपने पूरे फेस को क्लीन कर सकते हैं उससे जो मिल्क है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ताकि वो आपकी फ़ेस वॉश करने से सारा जो मिल्क एब्जॉर्ब हुआ था ना वो एकदम से निकलना नहीं चाहिए अच्छे से मैं अपने पूरे फेस को फेशियल वाइप से क्लीन कर लूँगी उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे आज मैं यूज़ करूँगी पॉन्स का डिटॉक्स फेस शीट मास्क ये शीट मास्क इसलिए आज मैं यूज़ करूँगी क्योंकि ये डिटॉक्स वाला है जो मेरे स्किन में इम्प्योरिटीज़ होगी सीबम होगा स्वेट होगा मेकअप होगा उस सब को ये अच्छे से रिमूव कर देने वाला है शीट मास्क बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए तो इसे आप कोशिश करें कि मंथ में दो से तीन बार तो ज़रूर से अप्लाई करें आई नो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है एक बार में आपको हंड्रेड रुपीज़ लग जाता है लेकिन आप पॉनचला यूज़ करोगे तो आपको सिर्फ सेवेंटी फाइव रुपीज़ पड़ेगा इसको अच्छे से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी ये हाइड्रेट करता है मॉइस्चराइज़ करता है हमारे स्किन को रिमूव करता है एक्सेस ऑयल जो हमारे फेस में बैठा हुआ होता है ये इम्प्योरिटीज़ को हटाता है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है है, हमारे स्किन के लिए ड्राई स्किन है मेरा तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे जरूर से यूज करूँ आप लोग भी यूज़ करो ताकि आपको अच्छे बेनिफिट्स मिले आपका स्किन अंदर से ग्लो करे के बाद अच्छे से इसे लगाना है 15 से 20 मिनट्स के लिए जब तक आपकी स्किन में अब्जॉर्ब ना हो जाए फ्रेंड्स आप मेरी स्किन का ग्लो चेक करें जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई थी नाउ मेरी स्किन कितनी ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग लग रही है ऐसे ही आपकी भी स्किन लगेगी अगर आप ये थ्री सिंपल स्टेप्स फॉलो कर लेते हो एंड आप इसे मंथ में दो से तीन बार यूज़ करते हो तो उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी प्लम का विटामिन सी सिरम ये भी सिरम कितना अच्छा है एंड कितना बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है विटामिन सी हमारे फेस के लिए हमारे बॉडी के लिए हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना अच्छा सिरम होगा इसे भी अप्लाई करके मैं अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पर एंड आप जिस दिन ये वाला स्टेप्स करो ना उस दिन आप कोशिश करो कि आप अपने फेस पर और कुछ भी अप्लाई नहीं करो ट्वेंटी आवर्स के लिए आप अपनी स्किन को ब्रीथ लेने दो नेक्स्ट लगाऊँगी मैं डॉट की का लिप ग्लोज अच्छे से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर दूंगी क्योंकि लिप्स को भी हाइड्रेट रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाउ ये थ्री सिंपल स्टेप्स के साथ एक्चुअली थ्री नहीं फोर सिंपल स्टेप्स के साथ मेरा ये स्किन रूटीन जो है ना वो डन होता है आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी इफ यू इंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल कमेंट लाइक एंड भर भर के शेयर करो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय it's all right